अभी खबर आई है कि बाल अभिनेत्री सारा आहूजा का मर्डर हुआ है और प्राइम सस्पेक्ट है उनके भाई मुकुल आहूजा। सारा के बॉडी में मिले ड्रग्स और मुकुल की पोजीशन में जो ड्रग्स थे दोनों सेम है। फोरेंसिक को मुकुल आहूजा की फिंगरप्रिंट्स मर्डर वेपन पर भी मिले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक बार फिर से साउथ की कुछ सबसे जबरदस्त सस्पेंस क्राइम मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी मूवीज लेकर आ चुका हूं। इन सभी मूवीज की स्टोरी लाइन और स्क्रीन प्ले इतना अच्छा है कि आपको आखिर तक देखने पर मजबूर कर देगी। साथ ही साथ अगर आप कोई मूवी देखना चाहते हैं तो उस मूवी का नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि कमेंट की गई मूवी को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आ सकूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन सी है आज की मूवीज। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। नंबर 8 पर है 2022 की एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी द बिग डैडी हाउस। फिल्म में हमें फरनाज सेट्टी, आशीष और भी कलाकार देखने को मिलने वाले। कहानी एक बहुत ही खतरनाक गेम शो के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जहां पर नित्या जो कि इस गेम को होस्ट कर रही है और इस गेम में कुल मिलाकर 10 लोग हैं जो कि इस गेम को जीत कर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन ये गेम कोई साधारण गेम नहीं है। जैसे जैसे ये गेम आगे बढ़ती है वैसे वैसे उनकी मुसीबतें भी बढ़ती जाती है। घटनाएं बेहतर हो जाती है और उनमें से एक की एक भयानक दुर्घटना में मौत हो जाती है। उसके बाद कई सारी भयंकर घटनाओं की एक चेन चलती रहती है जो आपको एक दिलचस्प कहानी की ओर ले जाती है। तो आखिर ये नित्या कौन है जो कि इस खतरनाक गेम को चला रही है और इस फिल्म के क्लाइमेक्स में क्या होगा, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। दोस्तों, इस फिल्म की खास बात तो ये है कि ये फिल्म शुरुआत से ही इंगेजिंग हो जाती है। फिल्म की कहानी आपको कहीं पर भी बोर नहीं करती और साथ ही साथ आपको कई सारे थ्रिलिंग मोमेंट देखने को मिलते हैं। IMDb से इस मूवी को 6.1/10 की रेटिंग मिली हुई है। कंप्लीट होने में 46 घंटे बचे हैं। नंबर 7 पर है 2022 की एक मिश्रित थ्रिलर मूवी मर्डर एट कोहेफिजा। फिल्म में हमें श्रेया, आदित्य और भी कलाकार देखने को मिलते हैं। कहानी है कंपनी के CEO विक्रम मल्होत्रा की। एक बार विक्रम अपनी ही कंपनी के साथ बहुत बड़ी ठगी करता है, लेकिन जो उसकी ठगी है वो पकड़ में आ जाती है। अब विक्रम को जो है 10 दिन के अंदर ही कंपनी को पूरे पैसे वापस करने हैं। विक्रम और उसकी बीवी कंगना जो कि मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान है विक्रम के फेक मर्डर का, जहां पर विक्रम की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी और इंश्योरेंस से मिले 100 करोड़ रुपए कंपनी को लौटा कर बाकी बचे पैसों से वो दोनों ऐश करेंगे। लेकिन कहानी पूरी तरह से तब पलट जाती है जब इंश्योरेंस एजेंट को ये पता चलता है कि विक्रम की मौत हुई ही नहीं है। अब कंगना अपने मकसद को पाने के लिए कौन कौन सी हदें पार करती है, ये आगे फिल्म में देखना काफी दिलचस्प होगा। दोस्तों, फिल्म की कहानी पूरी तरह से मिस्ट्री, ड्रामा और थ्रिलर पर फोकस करती है, जहां पर कंगना अपने पति को बचाने के लिए अपनी सारी हदें पार करने के लिए भी तैयार हो जाती है। दोस्तों, फिल्म के क्लाइमेक्स में एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट भी दिखाया गया जो कि आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। IMDb से इस मूवी को 4.1/10 की रेटिंग मिली हुई है। 100 करोड़ का क्लेम है तो हर चीज को बारीकी से देखना पड़ेगा। नंबर 6 पर है 2016 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी डायन हाउस 100। फिल्म के लीड रोल में हमें तेजस्विनी, राघव और अरबी कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। कहानी में एक भूतिया घर है जो कि कई सालों से बंद पड़ा है। अब एक फैमिली जो कि इस घर को खरीदने के लिए आती है। घर खरीदने से पहले वो लोग इस घर में रहते भी हैं और बस यहीं से कहानी में हॉरर ड्रामा शुरू होता है। दोस्तों, इस घर में ऐसा कौन सा राज छुपा है जो कि इस फैमिली को परेशान कर रहा है और क्या है इसका अतीत, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। दोस्तों, पर्सनली मुझे ये मूवी काफी अच्छी लगी थी क्योंकि इस फिल्म की जो बैक स्टोरी है वो काफी लाजवाब है। शॉर्ट में कहूँ तो ये मूवी हॉरर और थ्रिलर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। IMDb से इस मूवी को कोई रेटिंग हासिल नहीं हुई है। नंबर 5 पर है 2017 की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी पीहू। फिल्म में हमें पीहू, मायरा, प्रेरणा और भी कलाकार देखने को मिलते हैं। बात करें अगर फिल्म की कहानी की तो कहानी में गौरव अपनी वाइफ पूजा और अपनी 2 साल की बेटी पीहू के साथ एक अपार्टमेंट में रहता है। एक बार गौरव और पूजा का झगड़ा हो जाता है। झगड़े से परेशान होकर गौरव कोलकाता अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। हालत तब पूरी तरह से बदल जाते हैं जब पूजा अपनी 2 साल की बेटी को अपार्टमेंट में अकेला छोड़कर आत्महत्या कर लेती है। अब 2 साल की बेटी इस अपार्टमेंट में अकेली है। दोस्तों, आगे कहानी में कौन से मोड़ आते हैं ये आप मूवी देखकर जानो। दोस्तों, इस पूरी फिल्म में आपको एक छोटी सी लड़की ही देखने को मिलेगी, लेकिन इस छोटी सी बच्ची की एक्टिंग देखकर आप इसके दीवाने हो जाओ। पीहू के साथ आगे बहुत सी घटनाएं होती हैं, जैसे कि वो फ्रिज में बंद हो जाती है, अपनी मरी हुई माँ को जगाने की कोशिश करती है। दोस्तों, फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं आपको थ्रिलिंग देगी और कई जगह पर आपको रोने पर मजबूर कर देगी। ये सच्ची घटना पर आधारित फिल्म जो कि आपको जरूर से देखनी चाहिए। IMDb से इस मूवी को 6.7/10 की रेटिंग मिली हुई है।
नंबर 4 पर है 2023 की एक एक्शन क्राइम मूवी लियो। इस मूवी के लिए हमारे सब्सक्राइबर ने बहुत ज्यादा कमेंट की थी, तो जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ तब तक तो ये मूवी हिंदी में ही यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन मूवी कभी भी डिलीट हो सकती है, तो डिलीट होने से पहले ही देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फिल्म की कास्ट में हमें विजय थालापति, संजय दत्त, अर्जुन और भी कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। कहानी पार्थिवन की है जो कि अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। अचानक ही एक रात पार्थिवन के कैफे में कुछ गुंडे आ जाते हैं और सेल्फ डिफेंस के चक्कर में पार्थिवन के द्वारा इन गुंडों का मर्डर हो जाता है। अब इस कांड की वजह से पार्थिवन और उसकी फैमिली बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ जाते हैं। अब आखिर तक पार्थिवन यानी कि विजय थालापति अपने आप को और अपनी फैमिली को कैसे बचाता है, आगे कहानी में क्या होता है, ये जानने के लिए आपको एफएम देखनी होगी। एंटोनी दास और हेरोल दास दोनों ही भाई है जिनका पूरे शहर में राज चलता है, और जो गुंडे पार्थिवन के कैफे में आए थे वो लोग इन्हीं के आदमी थे। अब इतने बड़े और खतरनाक गैंगस्टर के सामने पार्थिवन कैसे टिका रहता है, आखिर उसका पास्ट क्या है, आगे कहानी में कौन से ट्विस्ट आते हैं। फिल्म में जो एक्शन दिखाया गया है वो पर्सनली मुझे काफी पसंद आया था, और विजय थालापति, संजय दत्त और अर्जुन ने इसमें काफी अच्छी एक्टिंग भी की है। IMDb से इस मूवी को 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। शूट नंबर 3 पर है 2019 की एक कॉमेडी फैंटेसी मूवी ओ बेबी। फिल्म की कास्ट में हमें समंथा, तेजा राव, रमेश और भी कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। कहानी है सावित्री नाम की एक 70 साल की बूढ़ी औरत की। सावित्री को उसी के घर वाले घर से बाहर निकल देते हैं। उसकी लाइफ में आने वाली सभी परेशानियों के लिए वो भगवान को जिम्मेदार ठहराती है। अब एक बार सावित्री एक स्टूडियो में फोटो खिंचवाने के लिए जाती है, और फोटो खिंचवाते ही वो एक 24 साल की खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अब दोबारा से जवान होकर ये लड़की क्या करती है, ये सब बातें जानने के लिए आपको एफएम देखनी होगी। दोस्तों एक शब्द में कहूं तो मूवी देखने लायक है या नहीं तो हाँ। मूवी की कहानी काफी अच्छी है, जिस तरह से लोगों के सामने इसे प्रेजेंट किया गया है वो भी वाकई में काबिले तारीफ। और एक खास बात, मूवी के सभी कैरेक्टर आपको हंसाने में कोई भी कंजूसी नहीं करते, चाहे फिर वो समंथा हो या फिर राव रमेश। IMDb से इस मूवी ने 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। नंबर 2 पर है 2011 की एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी सात खून माफ। फिल्म में हमें प्रियंका चोपड़ा, नील नितिन, मुकेश, इरफान पठान और भी कई सारे कलाकार देखने को मिलते हैं। कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि प्यार के लिए प्यासी है, मतलब कि वो सच्चा प्यार पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब ऐसे पुरुष को पाने की तलाश में वो कई बार शादी करती है, लेकिन जिस भी पुरुष के साथ वो शादी करती है वो एट द एंड कोई नेगेटिव पॉइंट के साथ आता है, जिसकी वजह से वो खुद ही उनको मार देती है। दोस्तों इस फिल्म के आगे की कहानी में आपको बताना सही नहीं समझता, क्योंकि वो आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। शॉर्ट में कहूं तो 2011 में आई ये मूवी एक प्योर मास्टरपीस है, और मूवी का क्लाइमेक्स जो कि आपका दिमाग खराब कर देगा। मैं इस मूवी को आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने इस मूवी को अब तक नहीं देखा तो जरूर से देखना। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मूवी आपकी फेवरेट होने वाली है। IMDb से इस मूवी को 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 1 पर है 2023 की ही एक थ्रिलर पर बनी सीरीज काला पानी, जिसमें हमें मोना सिंह, अमय वाघ और भी कलाकार देखने को मिलते हैं। कहानी अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में सेट है, जहां एक बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला है, और महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। अब इसी दौरान इस जगह पर एक संक्रमित बीमारी फैल रही है, जिस वजह से यहां के लोग एक दूसरे के संपर्क में आने की वजह से मर रहे हैं। सरकारी प्रशासन इन लोगों की जान बचा पाता है या नहीं, आगे कहानी में क्या होता है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। दोस्तों इस सीरीज के टोटल 7 एपिसोड्स हैं, जिसमें से पहला एपिसोड ऑफिशियली ही हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है, क्योंकि लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा लंबा है। तो उस पहले एपिसोड को देखकर आप इस सीरीज का अंदाजा लगा पाएंगे कि आगे ये सीरीज देखने लायक है या नहीं। पर्सनली मुझे तो इस सीरीज की सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी लगी थी, और कहानी तो अच्छी है ही। बाकी बचे एपिसोड आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। IMDb से इस सीरीज को 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। असली चेहरा दिखाएगा। उस काला पानी की असली दीवार तो बाहर है।